उसके लिए आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी गलती है, आप खुद जागरूक नहीं हो। अगर आप जागरूक नहीं हो तो कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए भाई बहुत ध्यान से सुनो इस टॉपिक को, बहुत ध्यान से समझो कि जो प्रोसेस है वैल्यू एजुकेशन का, वो हमारी एक्सेप्टेंस पे है। हम उसको कितना स्वीकार करते हैं प्रपोजल को, फिर वेरिफिकेशन, हमने उसका वेरिफिकेशन किया या नहीं किया, हमें जो भी प्रपोजल मिला उसको हम या नेचुरल वे से स्वीकार करेंगे या एक्सपीरियंस वे में। या तो हम नेचुरल वे में स्वीकार कर लें कि हमें पता है पार्टी में क्या होता है, बस हम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर, या एक्सपीरियंस कि मम्मी पापा कह रहे हैं मत जाओ, या बड़ा भाई बड़ी बहन समझा रहा है कि जा रहे हो तो ध्यान रखना अपना। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि वो सही है तो फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू, तो उसे अपने कहीं ना कहीं वैल्यूज में शामिल कर लेंगे। और यदि वो गलत है तो रिजेक्शन ऑफ वैल्यूज, तो हम उसका रिजेक्शन कर देंगे। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो भी दूसरे लोग कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि मतलब यही सब होता है। तो हमें पूरी ये टेबल, ये जो भी प्रोसेस है वैल्यू एजुकेशन का, वो हमें समझ में आ गया। अब सेल्फ अवेयरनेस, जो हमने अभी एक बात की थी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की या सेल्फ अवेयरनेस की, यानी कि स्वयं की जागरूकता, यानी कि आत्म जागरूकता। आप जिंदा तो हो पर जागरूक नहीं हो, तो आप किसी भी पशु के समान हो, मनुष्य नहीं हो, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हो। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग स्किल एंड फोकस ऑन ए इंडिविजुअली। सेल्फ अवेयरनेस एक योग्यता होती है सोचने की। हर व्यक्ति के पास माइंड है, लेकिन हर व्यक्ति योग्य नहीं है सोचने के। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले ने कहा चल पीते हैं तो पीते हैं, सामने वाले ने कहा चल सोते हैं तो सोते हैं, ज्यादा खाना है तो खाना है। तो ये हमारी एबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर सोचने की योग्यता का विकास करती है, हमारे कौशल का विकास करती है और फोकस करवाती है इंडिविजुअली अपने ऊपर कि हम स्वयं कुछ हैं, हमें कोई और नहीं चला सकता, हम मशीन नहीं है, हम खुद हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज ऑन आउन फीलिंग। केवल हमारी ही सेल्फ अवेयरनेस है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, जो पहचानती है हमारी भावनाओं को, हमारे बिहेवियर को, हमारे शारीरिक और इमोशनल दोनों ही प्रकार के, मतलब उसको मतलब हमारे अंदर की, हम फिजिकली कितने फिट हैं, हम इमोशनली कितने फिट हैं। यदि हमें लगता है कि हम इमोशनली बहुत ही कमज़ोर हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के सामने इतना इमोशनली अनफिट हो जाएं कि लोग बाद में हमारी हंसी बनाएं, फिर हमको बिल्कुल अलग कर दिया जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें कैसे रखना है, सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा रखना है। सेपरेट फ्रॉम अदर्स, अपने आप को दूसरों से थोड़ा अलग रखो। ये हमेशा ध्यान रखो कि हु एम आई, मैं हूँ कौन, और व्हाट डू आई वांट, और मैं चाहता क्या हूँ, वास्तव में मेरी नीड क्या है, व्हाट डू आई थिंक, मैं सोचता क्या हूँ, और हाउ आई फील, और मैं कैसे महसूस करता हूँ। तो इन चार पॉइंट पे हमें लाइफ में, अगर हम ये चार पॉइंट लेकर चलते हैं, तो कभी भी हम किसी के भी हाथ की कठपुतली या पपेट नहीं बन सकते। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, और इम्पोर्टेंस क्या है सेल्फ अवेयरनेस की, इट्स इम्पोर्टेंस फॉर चाइल्ड एकेडमिक सक्सेस। एक तो ये, जो बच्चा आत्म जागरूक है उसकी एकेडमिक सक्सेस के लिए किसी और को सोचने की जरूरत नहीं है, वो खुद सोचेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो सेल्फ अवेयर है, उसको अपने लक्ष्य का पता है, लक्ष्य भेदना कैसे है वो पता है, कितना पढ़ना है वो पता है, कितना बिगड़ना है वो पता है, कहाँ तक जाना है वो पता है, कहाँ रुकना है वो पता है, कितनी उसकी लिमिट है उसे सब पता है। हिज सोशल सक्सेस, देखो एक चीज ध्यान रखो, सोशल इमेज हमारे बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, क्योंकि यदि हमारी सोशल इमेज एक बार खराब हो गई तो हम उसको कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं लाइफ में, ऐसे हैं दुनिया में, जो क्या कहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उनके बारे में किसी को नहीं पता होता है, और उनकी सोशल इमेज इतनी अच्छी होती है कि बंदा जो भी मिलेगा वो कहेगा बहुत, मतलब अच्छे वर्ड बोलेगा। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी सोशल इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि उनके बारे में व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या बताऊं यार, पता नहीं ऐसा तो नहीं था ये बंदा, बट अब सोशल जो इमेज है वो तो यही कह रही है। तो हमें अपनी सोशल इमेज पे कभी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे किसी भी काम की वजह से हमारी सोशल इमेज गड़बड़ ना हो, क्योंकि हमारी सोशल इमेज हमारी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, हमारी सक्सेस का रास्ता तय करती है। क्योंकि यदि हमारी सोशल इमेज गड़बड़ हो गई तो हमारे बहुत सारे रास्ते बंद हो जाएंगे।
और सबसे पहले बिहेवियर और पर्सनालिटी में फ़र्क। बिहेवियर वो होता है जो हम जानते हैं हमारा व्यवहार कैसा है, क्योंकि एक कमरे के अंदर जब हम सोते हैं तो हमारा पैर कहीं होता है, हाथ कहीं होता है, ये हमारा बिहेवियर होता है। और हमारी पर्सनालिटी वो होती है जिसके बारे में दूसरे लोग बात करते हैं। और पर्सनालिटी टोटली डिपेंड होती है हमारी सोशल इमेज पे। तो सोशल जो इमेज है, जो सामाजिक आईना है, उसका विशेष ध्यान रखना है फॉर इमोशनल ग्रोथ। और किसकी वजह से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी इमोशनल ग्रोथ कितनी हो रही है। जो बंदा अंदर से वीक है, जो इमोशनली कमजोर है, वो कभी भी लाइफ में कुछ भी सक्सेस नहीं पा सकता। तो इसलिए हमें इमोशनली वीक नहीं होना है। टू नो आउन एबिलिटी, अपनी योग्यता को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है कि हमारी योग्यता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जज आउन परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। और सबसे पहली बात है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस खुद जज करनी है और अपने बिहेवियर को खुद जज करना है। जैसे मान लो हमें बहुत गुस्सा आता है तो, और हमें पता ही नहीं रहता हम सामने वाले से क्या क्या बोल गए। अभी आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद जज करिए कि यदि आपके साथ ऐसा किसी ने किया होता तो आपको कैसा लगता। तो शायद मे भी करके, थोड़ा थोड़ा करके आपकी जो वो इमेज है, जो आपकी जो आदत है, जो आपका बिहेवियर है, उस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए। तो हमें इन 4-5 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, कितनी महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, कि हमें सेल्फ अवेयर होना है। और सेल्फ अवेयर होने के लिए हमें 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हु एम आई, व्हाट डू आई वांट, और व्हाट What do I think और how I feel, और हम कैसा महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि हम जो भी मतलब हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हम उस पर थोड़ा वर्क करें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली क्लास में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।